हेलो बच्चों आपका हमारी आत्मा एकेडमी चैनल में स्वागत है आज हम कैलकुलस की जो डिफरेंशिएशन की सीरीज हम पढ़ा रहे हैं उसमें लागर्थमिक डिफ्रेंसीसन है ये अब जरा थोड़ा कंफ्यूज आप हो रहे होंगे कि भाई आपने इसकी पहली जो एक्सरसाइज पढ़ाई है अगर आपने पढ़ी हो तो आपने कहा था लागर्थमिक फंक्शन और ये लागार्थमिक डिफ्रेंसीेशन है दोनों का मतलब क्या है देखिए वहां पर लॉग फंक्शन था लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे थे यहां लॉग एक्स का नहीं करना है आपको लॉग लेना पड़ेगा हमको हमको लॉग की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर तो ये वो डिफरेंशिएशन है जिनका इस्तेमाल हम करेंगे इसके पहले हम लॉग की कुछ प्रॉपर्टी बता दें आपने पढ़ा है लॉग के बारे में अगर लॉग एम इन है इन पी बहुत सारे इन में लिखे हैं बेस कुछ भी लिखा हो कुछ भी बेस का मतलब ने बताया है कि अगर यहां कैलकुलस में अगर बेस नहीं है तो बेस क्या मानेंगे आप ई मानेंगे तो ये होता है लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी ये इंटू में लिखा हुआ है और भी इंटू हो सकता है दूसरा है अगर लॉग एम अपान एन है बेस कुछ भी लिखा हो जो बेस यहां होगा वही बेस यहां पर आ जाएगा तो ये होगा लॉग एम टू बेस ए माइनस लॉग एन टू बेस ए ये माइनस ऊपर वाली चीज प्लस में माइनस करके पूरा पूरा डिनोमिनेटर पूरा पूरा डिनोमिनेटर अगर मान ले यहाँ पर दो चीज़ें लिखी होती तो पूरी यहाँ पर चीज़ें आ जाती और अगला है लॉग एम टू पावर एन पावर पहले आ जाती है एन लॉग एम तो पहले तो ये लॉग के रूल हैं जो कि आपको तो लोअर क्लासेस में पढ़ाए गए होंगे और ना पढ़ाए गए हों आप देख लीजिए यहां पर देखिए दो प्रकार के लॉग के क्वेश्चन आएंगे अच्छा एक और चीज यहां पर समझ लीजिएगा अगर मान लिया यहां पर एम प्लस एन है और यहां पर लॉग लगाएंगे तो ये ब्रैकेट नहीं खुलता है लॉग एम प्लस लॉग एन नहीं होता है आप प्लस में लॉग नहीं लगा सकते ये यह यहां पर अप्लाई नहीं होगा देखिए यहां पर दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एक जगह लॉग लगाना नेसेसरी है लगाना ही पड़ेगा और एक में हमारे लिए एसेंशियल नहीं है हम उसको चाहे तो लगा सकते हैं लगा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए ठीक है तो बहुत सारे फंक्शन इंटू में है देखिए जहां पर जरूरत नहीं है आपको मान लिया आप है इंटू सेकेंड फंक्शन है इंटू थर्ड फंक्शन है इंटू फोर्थ फंक्शन है इंटू फिफ्थ फंक्शन है बहुत सारे फंक्शन है और हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो रूल तो हमने बताया प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट लेकिन यहां पर तो भाई पांच कैसे मल्टीप्लाई करें हम कर तो सकते हैं हम हम तीन को फर्स्ट माने दो को सेकंड माने और फिर रूल लगाएं फिर इन तीन को डिफरेंशिएट अलग अलग करें बहुत टफ पड़ेगा तो इसको हम अलग अलग करना चाहते हैं तो यानी कि हम क्या करेंगे यहां पर लॉग ले लेंगे लॉग वाई बराबर लॉग इस पूरे में लॉग लिया फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड इंटू फोर्थ इंटू फिफ्थ ये कुछ भी हो सकता है ये एक्स हो सकता है ये साइन एक्स हो सकता है इट पॉल एक्स हो सकता है ये लॉग एक्स हो सकता है ये कॉट एक्स कुछ भी हो सकता है वो अलग चीज़ है तो ये सब फंक्शन कैसे हैं मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो ये मल्टीप्लाई रूल लग जाएगा लॉग इन प्लस लॉग इन प्लॉग फर्स्ट प्लस लॉग सेकेंड प्लस लॉग थर्ड और अलग अलग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे क्योंकि प्लस में आपको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने की सुविधा मिलती है तो यहां पर लॉग लेना ज़रूरी नहीं है यहां पर लॉग लेना हमारी मजबूरी है क्योंकि बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है अगर लॉग नहीं लेते हैं तो उसको डिफ्रेंशिएट करने में हमको अपनी नानी याद आ जाएगी तो नानी याद ना आए इसलिए हमने एक ड्रामा किया ठीक है अब जहां पर लॉग लेना जरूरी है उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं इसीलिए इस चैप्टर को दिया गया है ये रूल्स देख लीजिएगा इन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे यहां पर देखो ध्यान से जैसे बहुत सावधानी समझिएगा बहुत टेक्निकल एक्सरसाइज है टफ नहीं है पहले हम बता दें कैलकुलस टफ नहीं है अब आप सोचते होंगे कैलकुलस कहाँ से बढ़ा गई तो मैं थोड़ी सी कहानी बता दूँ इसकी आ, मुझे ईयर पूरा याद नहीं है सिक्सटीन सिक्सटी फाइव शायद है ब्रिटेन में प्लेग की बीमारी फैली थी और उसमें यूनिवर्सिटीज जो है वो बंद कर दी गई थी सभी दो साल के लिए अब अगर यूनिवर्सिटी बंद हो जाए और वेतन आता रहे सैलरी आती रही तो हम जैसा टीचर तो आराम से घर में बैठ खाना खाएगा बड़े मौज लेटिए खाइए पीजिए और सैलरी तो आ ही रही है लेकिन न्यूटन साहब थे ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे तो ये दो साल तक सोचे कुछ करें कुछ करें तो ये नई ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को इन्होंने डेवलप कर दिया और जब वो कॉलेज पहुंचे तो स्टूडेंट से कहा कि वी आर गोइंग तो टू स्टार्ट अ न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कैलकुलस वेरी इंपॉर्टेंट अब अब आप पूरा इंटर पढ़ जाएंगे न्यूटन का कोई फॉर्मला आपको नहीं मिलेगा बड़े क्लासेस में वो हाई फाइव उन्होंने फॉर्मूले दिए हैं तो ये न्यूटन साहब का दिया हुआ पूरा ड्रामा है बहुत इंपॉर्टेंट है मैं इसको बताने जा रहा हूं लॉग डिफरेंशिएशन बहुत ध्यान से धैर्य रखे समझिएगा समझ में आ जाएगा लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसके पहली साइज का जो कंसेप्ट है डिफ्रेंसिएशन का वो क्लियर होना चाहिए जरा समझिएगा हमने कहा था कि भाई अगर y x का फंक्शन है तो आप x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं x यहां पर वेरिएबल है चेंज होता है भाई इसका मतलब ने क्या बताया था कि x के सापेक्ष y कितना चेंज हो रहा है जब एक्स चेंज हो रहा है तो y चेंज हो रहा है कैसे चेंज हो रहा है दोनों चेंज हो रहे हैं जब दो चेंज होते हैं उसी को तो वेरिएबल कहते हैं अगर यहां पर फाइव लिखा होता तो फाइव क्या होता है कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट तो चेंज होता नहीं है उसका डिफरेंसिएशन जीरो होता है तो एक्स का नाम मैं वेरिएबल दूंगा बार बार वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो रहा हो जरा सावधान जब मैं डिफ्रेंसिएशन कर रहा था एक्स टू पावर एन का तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था एन एक्स टू पावर एन माइनस वन तो एक्स तो हो गया वेरिएबल पावर हो गई कॉन्स्टेंट यानी इस डिफ्रेंसियन में बेस जो है ये बेस होता है ना कहीं पर आप differentiate करते हो तो ये बेस होता है ये पावर होती है एक्सपोनेंट होता है या इंडिसेस होता है या घात होती है ठीक है यह आधार होता है तो यहां पर बेस में वेरिएबल है पावर में कॉन्स्टेंट है जब मैंने डिफ्रेंसिएशन दिया ए टू पावर एक्स का तो आपने कहा था ए टू पावर एक्स लॉग ए टू बेस ई यहां पर देखिए पावर में वेरिएबल है बेस में कांस्टेंट है दोनों को जरा ध्यान से समझें दोनों में एक बेस एक पावर है दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं यहां पर बेस में वेरिएबल है पावर में कांस्टेंट है यहां पावर में वेरिएबल है बेस में कांस्टेंट है लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि वेरिएबल टू पावर वेरिएबल तब लफड़ा हो जाएगा क्योंकि इसको मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर या, भाई अगर यह फॉर्मूला अप्लाई करें तो यह कांस्टेंट होना चाहिए यहां वेरिएबल होना चाहिए अगर यह फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहां पर कांस्टेंट यहां वेरिएबल होना चाहिए दोनों ही वेरिएबल होंगे तो इसे पावर से नीचे उतारना पड़ेगा बस ये लफड़ा है अब पावर से नीचे उतारने के लिए क्या करना पड़ता है हमको लॉग लेना पड़ता है तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स दोनों साइड्स में लॉग ले लीजिएगा लॉग वाई इधर हो गया और इधर हो गया लॉग एक्स टू पावर एक्स अभी हम बता चुके हैं कि लॉग एम टू पावर एन क्या होता है एन लॉग एम यानी ये पावर कहां जाएगी पावर पहले आ जाएगी एक्स लॉग एक्स इधर क्या हो गया लॉग वाई अब पावर हट गया बस ये इसीलिए लॉग लेना यहां लॉग लेना मजबूरी है जरूरी नहीं है सॉरी उल्टा बोल उल गया यहां लॉग लेना जरूरी है वहां मजबूरी थी पहले वाले में क्योंकि बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में थे और हमको बहुत बड़ा सा फॉर्मूला लगाना पड़ रहा था इसलिए लिया था लॉग यहां पर जरूरी है एसेंशियल है आपको लेना ही पड़ेगा अब इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दो फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंड फंक्शन का differentiation. यहां पे आइए पहले की एक्सरसाइज थी फलन 5.3 शायद थी थी ये 5.5 है 5, हाँ, 5. थी। उसको हम लिंक दे देंगे इम्प्लेसिट का देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा हमने कहा था अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ x का फंक्शन होना चाहिए फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं अगर अकेला वाई होता तो डी वाई बाई डी एक्स होता लेकिन log वाई जो है वो वाई का फंक्शन है तो हमने बताया था इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दो और इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स लिख दो ठीक है यहां पे आओ x लॉग एक्स का वन अपान एक्स प्लस लॉग एक्स और एक्स का वन तो एक्स कट गया तो यह आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई उधर ले जाओ वाई ब्रैकेट में वन प्लस लॉग एक्स अब वाई का मान रख दो अब आप कहीं वाई न रखें तो वाई रखना पड़ेगा उसका कारण है कि यहां पर एक्स टू पावर एक्स लिखा था इसका नाम आपने वाई दिया है नहीं भी लिखते हो तो लिखना पड़ेगा वेयर वाई इज वॉट वाई इज दिस वाई तो का मान रखोगे तो आएगा एक्स टू पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स जहां भी बेस ना हो वहां क्या होगा ई e. यहां पर आपको लॉग लेना जरूरी है अब जरा एक चीज मैं और बता दूं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में बताया जाता है कि लॉग लेना ही पड़ेगा तो मैं आपको कह रहा हूं बिना लॉग लिए भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप लेकिन वो करेंगे नहीं क्योंकि बहुत सारे टीचर्स नहीं बताते उस चीज को और मान माल आपने किया और ना समझ पाए कोई दिक्कत हो गई काट दिया तो आप एग्जाम में मत करिएगा लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं इसको बताने जा रहा हूं कि बिना लॉग लिए भी इसको डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं कभी माले आपसे इंटरव्यू पूछ लिया जाए कोई टीचर बढ़िया टैलेंटेड वहां बैठा हो और आपसे कहा बताओ बिना लॉग लिए कर सकते हो आप कहेंगे कर सकता हूं इसको कैसे मैं बता रहा हूं जरा सावधान एग्जाम में मत करिएगा पहले दे रहे क्योंकि पहली नजर में यहां पर लॉग लेना जरूरी हो जाता है यह आंसर आपका है ध्यान रखिएगा मैं बिना लॉग लिए करता हूं देखिए ध्यान से विदाउट लॉग एक नोट लिख करके मैं बता देता हूं हर क्वेश्चन को लॉग 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 लिए लिए सभी को लेकर ही मैं करूंगा। मैं करूंगा इतना बताना चाहता हूं कि बिना भी इसको किया जा सकता है देखो, y बराबर x x. मैं यहां लगा नहीं सकते क्यों क्योंकि पावर में कॉन्सेंट नहीं है यह फॉर्मूला लगा नहीं सकते क्यों क्योंकि बेस में कॉन्सेंट नहीं है तो क्या करें देखो ध्यान से इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो दो बार इसको लिखो एक बार एक्स टू पावर एक्स और दोबारा फिर लिखो एक्स टू पावर जरा सावधान एक बार इसको आप एक्स टू पावर एन की तरह डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स पावर एक्स है एक्स टू पावर एन की तरह डिफ्रेंशिएट कर दो यानी इसको आप वेरिएबल मानो इसको आप एन मान लो कॉन्स्टेंट मान लो क्या होगा एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन

जब मैं एक्स एक्सपोर एन लगाऊंगा तो पावर में कॉन्स्टेंट मानूंगा ए टू पॉर एक्स लगाऊंगा तो बेस में कॉन्स्टेंट मानूंगा देखिए इसकी पावर वन है ना ये मल्टीप्लाई में है पावर पावर जुड़ जाती है पावर को ऐड करूंगा कितना आएगा एक्सपोर एक्स प्लस एक्सपोर एक्स लॉग एक्स टू बेस ई एक्सपोर एक्स कॉमन एक्स, ले लो वन प्लस लॉग एक्स टू बेस आ गया आंसर जी कैसा लगा अच्छा ही लगा होगा ये विदा लॉग लिए आप कर सकते हैं इसको मैं हर क्वेश्चन में लॉग लेके ही करूंगा लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि क्या विदाउट लॉगरिथमिक के यूज के इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है तो आई कैन कैन डू दिस इज द ठीक है अब एक्सरसाइज पे आते हैं फाइव पॉइंट फोर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है थोड़ा बड़े बड़े होंगे लॉग लेना पड़ेगा टफ नहीं है थोड़ा सा धैर्य लेकर के इसको लगाइएगा और थोड़ा सा ध्यान से क्योंकि कैलकुलस का ये एक फंडामेंटल है एक बेसिक फाउंडेशन है अगर यहां गड़बड़ हो गया तो आगे फिर बिल्डिंग गड़बड़ी बनेगी ये ध्यान रखिएगा और कोई भी स्टेप आप ओमिट नहीं करेंगे हर स्टेप को शो करेंगे 5.5 पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं इसका पहला क्वेश्चन हम लेते हैं देखिए y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स देखिए ये तीन फंक्शन है एक दो तीन आप कहेंगे भाई ट्रीनोमेटिकल है वो वो अलग की बात है इसका अलग अपना प्रजाति है इसकी अलग है वरायटी इसकी अलग वैरायटी है या तो एक बनाओ इसको ये अभी फिलहाल हम कर नहीं सकते कर सकते हैं करेंगे नहीं तो हम एक तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं क्योंकि तीन फंक्शन में हमने बताया था कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करना चाहते अगर हम लॉग ले लें ले, तो एम इंटू एन अलग अलग हो जाएगा तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स दोनों तरफ हम लॉग ले ले रहे हैं इधर क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा लॉग वाई इधर हो जाएगा लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स बेस क्या मानेंगे हम बेस मानेंगे हम ई आप कहेंगे हम तो a मानेंगे मान लो तब भी आ जाएगा लेकिन मानिए नहीं ठीक है तब भी आ जाएगा अभी हम बताएंगे फिलहाल बेस ई है हम कोई बेस नहीं ले रहे है, बेस ई रहेगा देखो ये मल्टीप्लाई में है लॉग एम इंटू एन एन पी तो क्या रूल होता है इसको अलग अलग कर सकते हैं लॉग कॉज एक्स प्लस लॉग कॉज टू एक्स प्लस लॉग कॉस थ्री एक्स यह लॉग भाई अब हमने यहां पर लॉग लेना हमारी मजबूरी थी जरूरी नहीं था क्योंकि ये इंटू में है और इसके रूल्स हमको मालूम है डिफ्रेंसिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इजल टू सबके आगे डी बाई डी एक्स लगा दो तो आप इस स्टेप को नोट कर लेंगे और हम इसी स्टेप में डी बाई डी एक्स लगाए दे रहे डी बाई डी एक्स इसका डी वाई डी एक्स इसका डी वाई डी एक्स इसका और डी बाई डी एक्स इसका ठीक है यहां पे आइए ये अगर अकेला वाई होता तो ये डीवाई वाइड लिखा हुआ है ये वाई का फंक्शन है तो log वाई का वन अपान वाई और उसके साथ हमने बताया लिखेंगे ये अस्पष्ट फलों का डिफरेंसिएशन है जो कि इसकी पहली की एक्साइज की पहली की एक्साइज है वो हम लिंक दे देंगे उसको पढ़ लीजिएगा इज इक्वल यहां पर आइए ये x में लॉग एक्स होना चाहिए अभी बता चुके हैं तो ये x इसको मन में आपने एक्स माना लॉग एक्स का वन अपान एक्स ये वन अपान कॉज एक्स हो जाएगा फिर क्या करेंगे कॉजेक्स को फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे अब जरा समझिएगा इसके पहले हम बता चुके हैं कि कोई स्टेप आप गायब मत करिएगा ठीक है क्योंकि डिफरेंस इस हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम यहां लॉगरिथमिक पढ़ रहे हैं हमारा मेन एम जो चेक करना चाहते हैं कि आपने लॉग लिया कि या नहीं लिया तो यहां एक आध स्टेप डायरेक्ट कर सकते हो नहीं करते हैं मतलब ये कहोगे अपना जब मन होता है डायरेक्ट कर देते हैं तो हम लिखे दे रहे हैं एक्स माना तो इसका अपान कॉस टू कॉस थ्री एक्स को एक्स माना वन कॉस थ्री एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस थ्री एक्स इसको फिलहाल लिखा रहने दो वन अपान वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ज एक्स इन टू यहां कॉज एक्स है लिखिएगा प्लस वन अपान का माइनस साइन टू एक्स अब एक स्टेप एड कर दो देखिए जब हम कॉस टू एक्स का कर रहे थे डिफ्रेंसिएशन तो हमने इस टू एक्स को मन में एक्स माना था ये टू एक्स लिखा हुआ था तो इसका sin 2x हो गया 2x का फिर किया तो इसका 2 हो गया डैड कर दीजिए 2 2 प्लस ये देखिए ये 1 अपॉन cos 3x cos 3x का sin 3x और 3x का 3 अब जैसे-जैसे आगे प्रोसेस बढ़ेगा ये डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होते जाएंगे ठीक है इसका बेसिक आपको क्लियर होना चाहिएगा तो ये आ जाएगा ये 1 अपॉन y लिखा हुआ है ये tan x क्योंकि sin अपॉन cos tan होता है ये भी है माइनस का टू टैन टू एक्स और माइनस का थ्री टैन थ्री एक्स तो जब यहां से डी वाई वाइल डी एक्स का मान निकालोगे तो वाई इधर आएगा माइनस का मान ले लो अगर चाहो तो सब में माइनस आ रहा है तो टेन एक्स इन टू प्लस टू टैन टू एक्स प्लस थ्री टैन थ्री एक्स वाई का मान रख दो This is your answer. हो सकता है आंसर में साइन कॉजी लिखा हो, चलेगा. भी हो सकता है, ये ये, ये तो है डरना नहीं तो डर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना जो डर गया वो मर गया ये ध्यान रखना इसमें डरना नहीं थोड़ा सा टफ नहीं है टेक्निकल है समझना पड़ेगा और एक एक स्टेप ध्यान से करना पड़ेगा यह नहीं कि डायरेक्ट आप आंसर निकाल दें सेकेंड क्वेश्चन देखिए सेकेंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडरवुड ऑफ एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव अब जरा समझिएगा अगर मैं जिद करूं कि मैं तो लॉग नहीं लूंगा मत लीजिए साफ साफ दिख रहा भाई एक तो रूट लगा है पूरी हाफ पावर है पूरी पावर हाफ है हमने कहा था पूरी पावर हाफ हो तो अंदर वाली चीज़ को एक्स मानेंगे फिर अंदर वाली चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा फिर डिवीजन में जब न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मल्टीप्लाई रूल लगाना पड़ेगा इसमें तीन फंक्शन आएंगे तो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा ठीक है तो इसलिए यहां पर लॉग लेना हमें मजबूरी हमारी है देखिए अगले स्टेप में इस हाफ को हटा देंगे तो हाफ कहा जाएगा अगले स्टेप में इसका मतलब है पावर वन बाई टू फिर क्या करेंगे टेकिंग लॉग बोथ द साइड दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा इधर लॉग वाई इज इक्वल टू तो इधर आ जाएगा लॉग इधर तो है आपका लॉग वाई इज इक्वल टू तो, यहां देखिए ये पूरी पावर हाफ है तो अभी हम बता चुके हैं लॉग एम टू पावर एन ये पावर पहले आ जाएगी पहले लिख दीजिएगा और ये ऐसे लिखाने तो लॉग एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव वन बाई टू देखो ये मल्टी ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये अलॉग आएगा प्लस आएगा ये डिवाइड में माइनस आएगा ये माइनस में आएगा ये माइनस में, में आएगा तो क्या बन जाएगा ये log x माइनस वन प्लस लॉग x माइनस टू यापान में है माइनस लॉग x माइनस थ्री माइनस लॉग x माइनस फोर माइनस लॉग x माइनस फाइव ये आ गया लॉग वाई अब क्या करेंगे अगले स्टेप में डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x क्योंकि अलग अलग हो गया है जिसमें सब में डीवाई डी एक्स लगा देते हैं तो इधर क्या लग जाएगा डी बाई डी एक्स आप अलग से लगाएंगे हमारे पास सुविधाएं लगा रहे हैं यहां भी डी वाई डी एक्स यहां भी डी बाई डी एक्स यहां भी डी बाई डी एक्स यहां भी डी बाई डी एक्स और यहां भी डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस पढ़ा जाएगा देखिए ये भी वाई का फंक्शन है एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वन बाई टू बाहर लिखा नहीं तो यहां समझिएगा ये लॉग एक्स होना चाहिए ये एक्स होना चाहिए इसको मन में आपने क्या माना एक्स डिफ्रेंशिएशन क्या होगा वन बाई एक्स फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन प्लस ये एक्स होना चाहिए वन बाई एक्स वन बाई एक्स माइनस टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टू माइनस ये एक सोना चाहिए वन बाई एक्स माइनस थ्री इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस थ्री माइनस ये वन बाई एक्स माइनस फोर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस फोर माइनस वन बाई एक्स माइनस फाइव इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस फाइव देखिए ये वन बाई वाई वाई को ले जाओ तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा वाई बाई टू बाहर आई है यहां देखिए एक्स माइनस वन का वन हो जाएगा एक्स का वन वन का जीरो यहां भी वन यहाँ भी वन यहाँ भी वन और यहाँ भी वन तो ये क्या आएगा वन अपान एक्स माइनस वन प्लस वन अपान एक्स माइनस टू माइनस वन अपान एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपान एक्स माइनस फोर माइनस वन अपान एक्स माइनस फाइव अब यहाँ भाई का मान रख दो ये ये वाला पूरा लॉग वाला नहीं जो पहले था पहले वाला जो लॉग था जिसमें लॉग नहीं था वो क्या था ये था वाई ये था ना ये वाई ये अंडर रूट था यहां पर ये ये, ये ये वाला भाई था तो रख दो आंसर आ गया तो आंसर क्या आएगा ये पूरा वैल्यू और यह आंसर तो दिस इज योर आंसर ठीक है ये सेकेंड क्वेश्चन है यहां पर लॉग लेना हमारे लिए मजबूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड का अब जरा थर्ड क्वेश्चन देखिएगा देखिए थर्ड क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू पावर कॉज एक्स अब जरा देखिए ये बेस है ये भी एक्स का फंक्शन है ये पावर है ये भी एक्स का फंक्शन है फंक्शन टू पावर वेरिएबल टू पावर वेरिएबल अब हमने क्या अभी बताया था कि भाई वेरिएबल टू पावर वेरिएबल होगी तो लॉग लेना जरूरी हो जाएगा विदाउट लॉग हमने बताया लेकिन वो यूज नहीं करेंगे टेकिंग लॉग बोथ द साइड यहां लेना जरूरी है बिना लॉग के फिलहाल नहीं करेंगे टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स ये क्या हो जाएगा हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू इसके आगे लॉग लगा दिया जाएगा इससे इस लॉग्स इस कोई मतलब नहीं है हो जाएगा लॉग लॉग एक्स टू पावर कॉज एक्स देखिए इस लॉग का ये लॉग एक्स X, ये जगह X लिखा हुआ है इसकी पावर एम टू पावर एम तो हमने क्या कहा था पावर पहले आ जाएगी यानी कॉज एक्स पहले आ जाएगा तो क्या आएगा लॉग लॉग एक्स ये आपका जो पावर का लफड़ा था ये पावर का लफड़ा खत्म हो गया अब डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू तो एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू तो एक्स तो यहां क्या हो जाएगा डी dx डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू क्या दो फंक्शन है मल्टीप्लाई रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा ये कॉज एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग लॉग एक्स बेस क्या होगा यहां पर ई बेस हम जगह ई हम ले रहे हैं प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग लॉग एक्स इंटू डी बाईडी एक्स ऑफ का का बता चुके हैं हम ये 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 फंक्शन है है तो होगा उसके साथ क्या लिखा जाएगा आइए अब नहीं, x का minus होता। भाई इसका नहीं हो रहा है ये फर्स्ट फंक्शन है इसका जहां पर होगा वहां लिखेंगे minus यहां पर आइए लॉग एक्स होना चाहिए है नहीं तो होना एक्स तो क्या होगा वन अपान एक्स एक्स बोले तो Log x और बाद में इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे डी dx डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का प्लस ये लिखा दो लॉग लॉग एक्स लॉग लॉग एक्साफ लिख दीजिए लॉग लॉग एक्स और कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स अब इस वाई को उधर ले जा, तो ये जाएगा डी वाई जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू वाई ये आएगा लॉग एक्स का वन वन एक्स तो आएगा कॉज एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस ये माइनस लिखा हुआ है साइन एक्स इन log लॉग लॉग एक्स अब वाई का मान रख दो ये उठा करके तो ये आपका हो जाएगा एक्स टू पावर सॉरी लॉग एक्स टू पावर ब्रैकेट वाली चीज नोट कर दो पूरी तो ये आपका आंसर हो गया दिस इज थर्ड क्वेश्चन अब जरा फोर्थ देखिएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन आती रहेगी टफ नहीं है फिर हम बता दें इसमें आपको लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि लॉग लेना यहाँ पर जरूरी है क्योंकि फंक्शन टू पावर फंक्शन याद दिया हुआ है देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बता रहा है फोर्थ क्वेश्चन देखिए वाई इज इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स माइनस टू टू पावर साइन एक्स जरा समझिएगा यहां पर जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे थे क्योंकि ये प्लस में लिखा है माइनस अलग अलग है तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे जब इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे थे तो यहां वेरिएबल टू पावर वेरिएबल है इसको हम सिंपली एक्स पावर एन अप्लाई नहीं कर सकते यहां लॉग लेना पड़ेगा लेकिन जब इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे थे तो एट पावर साइन एक्स है अब यहां लॉग ले कैसे क्योंकि अभी हमने बताया कि प्लस माइनस में नहीं ले सकते आप तो करेंगे क्या हम यहां पर मजबूरी हमारी है इसका नाम दे देंगे वाई वन इसका नाम दे देंगे वाई टू अलग अलग फंक्शन मान लेंगे और जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो आएगा डी वाई वन बाई डी एक्स माइनस डी वाई टू बाई डी एक्स अब हम वाई वन को अलग डिफरेंसिएट कर रहे हैं और वाई टू को अलग कर रहे हैं नाउ वाई वन अलग मान लीजिए वाई वन इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया था वो इसी का डिफ्रेंसिएशन था अब ये वेरिएबल टू तो पावर वेरिएबल है यहां पर सिंपली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे टेकिंग लॉग बोथ द साइड यहां पर दोनों तरफ आपको लॉग लेना पड़ेगा बोथ द साइड्स तो ये क्या हो जाएगा लॉग वाई वन इज इक्वल टू लॉग एक्स टू पावर एक्स पावर कहा जाती है पावर पहले जाएगी ये पावर के यहां आ जाएगी अगले स्टेप में अब तो लॉग पावर हट गई अब सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर दो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स यहां क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई वन इज इक्वल टू यहां पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो लगेगा प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन देखिए ये y1 का फंक्शन है और विद रेस्पेक्ट टू वाई वन ही होना चाहिए इसको कैसे करेंगे लॉग वाई वन का वन अपान बाई वन और उसके साथ क्या लिखेंगे डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहां पर देखिए एक्स लॉग एक्स का x प्लस लॉग एक्स और एक्स का वन हो गया तो जब वाई वन को उधर ले जाओ तो डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा वाई वन वन प्लस लॉग एक्स वाई वन का मान रख दो आएगा डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स तो ये तो इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हो गया है वाई वन का अब वाई टू उठाइए ना वाई टू इज इक्वल टू 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 पावर साइन एक्स अब क्वेश्चन उठता है कि यहां पर लॉग ले या ना ले देखिए ये कांस्टेंट है ये वेरिएबल है और ए टू पावर एक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है इसलिए यहां पर लॉग लेने की जरूरत तो नहीं है तो सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू तो एक्स तो क्या आएगा डी वाई टू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टू टू पावर साइन एक्स जरा समझिएगा ये एक्स का फंक्शन है और ये ए की तरह यूज कर रहा है कॉन्स्टेंट है ना ए टू पावर एक्स का फॉर्मूला हमको मालूम है ए टू पावर एक्स तो हम इसको मन में एक्स मान लेंगे अभी हम बता चुके हैं एट पॉर एक्स का होता है एट पॉर एक्स लॉग ए टू बेस इसका हो जाएगा टू टू पावर साइन एक्स इन टू लॉग ए टू बेस ई लेकिन साइन एक्स को क्या करेंगे साइन एक्स को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो हो जाएगा इसको यहां नोट कर देते हैं ऊपर तो इसका हो जाएगा आपका टू टू पावर साइन एक्स ये क्या निकल रहा है डी वाई टू बाई डी एक्स टू पावर साइनिक्स इन टू लॉग टू टू बेस ई और साइन एस का हो गया कॉल एक्स तो ये आ गया आपका डीवाई टू बाई डी एक्स ये आ गया डीवाई वन बाई डी एक्स अब इन वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन पुटिंग दीज वैल्यूज पुटिंग रॉन्ग वर्ड है सब्सिट्यूटिंग होना चाहिए लेकिन इंग्लिश हिंद मैथ में चल जाता है पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन वन में रख दो वन क्या है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वन बाई डी एक्स निकला है एक्स टू पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स डी वाई टू बाई डी एक्स क्या है ये है आपका टू टू पावर साइन एक्स इन टू लॉग टू टू बेस ई इन टू एक्स ये आपका आंसर हो गया ठीक है थोड़ा टेक्निकल है टफ नहीं है ध्यान रखिएगा यहां पर लॉग लेना जरूरी है क्योंकि ये प्लस माइनस लगा था इसलिए हम यहां पर लॉग ले नहीं सकते अलग अलग हमको लॉग लेके इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ये फोर्थ क्वेश्चन है अब तब तक आप एनसीईआरटी बुक से और थोड़ा तो अपने आप ट्राई करिए जब ना है तब इधर दिमाग लगाइएगा फिफ्थ क्वेश्चन देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री टू पावर टू एक्स प्लस फोर टू पावर थ्री इंटू एक्स प्लस फोर टू पावर थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव टू पावर फोर देखिए यहां इंटू में है हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं यहां पर लॉग लेना हमारे लिए जरूरी नहीं है सॉरी मजबूरी नहीं है क्या बोल रहा हूं जरूरी नहीं एसेंशियल नहीं है मजबूरी है थोड़ा सा टफ ना हो इजी हो जाए से लॉग ले रहे हैं तो लॉग ले लीजिए उठा करके तो यहां लिख देंगे टेकिंग लॉग बोथ द साइड तो ये हो जाएगा आपका लॉग वाई और यहां भी लॉग लिख देंगे इस पूरे में तो ये क्या हो गया आपका लॉग वाई इज इक्वल टू अगले स्टेप आप लिखेंगे अब ये तीनों का है है मल्टीप्लाई में है लॉग एम इंटू एन इंटू पी लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी हो जाएगा तो जाएगा लॉग एक्स प्लस थ्री टू पावर टू प्लस लॉग एक्स प्लस फोर टू पावर थ्री प्लस लॉग एक्स प्लस फाइव टू पावर फोर लॉग एम टू पावर एन पावर कहाँ जाएगी पहले आ जाएगी तो ये पावर अगले स्टेप में पहले आएगी आपके में आपके में अगले में आएगी ये पावर पहले आ जाएगी ये पावर पहले आ जाएगी अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो यहां क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू टू थ्री फोर कोफिशियंट्स हैं गुणांक हैं। देखिए अकेला टू होगा तो नियतांक होगा कांस्टेंट होगा और किसी के साथ मल्टीप्लाई में है तो कोफिशियंट होता है टू बाहर आ गया यह आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस थ्री प्लस ये थ्री बाहर लिखा रहेगा डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस फोर प्लस फोर बाहर लिखा रहेगा डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस ये वाई का फंक्शन है तो हमने बताया था इम्प्लिसिट इंप, में कि वन बाई वाई अलग कर दो इसका होगा इसके साथ डिवाइड दो यहां पे आइए टू ये लॉग एक्स होना चाहिए हमने इसको एक्स मान लिया इसका वन अपान एक्स प्लस थ्री और चूंकि एक्स का वन होगा जब इसको दोबारा करेंगे तो वन ही आएगा छोड़ दीजिए डायरेक्ट कर दीजिएगा प्लस थ्री इंटू वन अपान एक्स प्लस फोर प्लस फोर इंटू वन अपान एक्स प्लस फाइव वाई को अदर शिफ्ट कर दो तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टू अपान एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री अपान एक्स प्लस फोर प्लस फोर अपान एक्स प्लस फाइव अब वाई का मान दो उठा करके ये छोटी सी वैल्यू वाई की है तो वाई की वैल्यू क्या है एक्स प्लस थ्री टू पावर टू इंटू एक्स प्लस फोर टू पावर थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव टू पावर फोर इन ये यह ब्रैकेट देगा टू अपान एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री अपान एक्स प्लस फोर प्लस फोर अपान एक्स प्लस फाइव तो इस प्रकार से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर लॉग लेना जरूरी इसलिए था मजबूरी थी मज़... बहुत टफ हो जाता प्रोडक्ट रूल में इसलिए हमने लिया अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन में टफ नहीं है फिर हम बता दें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन हमने बता दिया है आपको कि कहाँ कहाँ लॉग लेना जरूरी है और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में और डिफ्रेंसिएशन की पहली एक्सरसाइज में इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया गया है सिक्स क्वेश्चन को आप नोट करें और लॉग लेकर के इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें देखिए सिक्स क्वेश्चन क्या है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल्ड पावर एक्स प्लस x टू पावर वन प्लस वन अपान एक्स अब लफड़ा एक तो प्लस लगा हुआ है लॉग लेना नहीं लेना तो बात की बात है अगर लॉग लेना है तो ले नहीं सकते हम ये पूरा x का फंक्शन है पावर में भी x का फंक्शन है वेरिएबल टू तो पावर वेरिएबल लॉग तो लेना पड़ेगा वेरिएबल टू तो पावर ये पूरा पावर है ध्यान रखिएगा तो यहां भी लॉग लेना पड़ेगा लेकिन हम यहां लॉग बीच में नहीं ले सकते तो हमने अभी क्या बताया इसका नाम दे दो वाई वन प्लस इसका नाम दे दो y2 और जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो इसका लिखेंगे dy1 वाई वन और प्लस इसका लिखेंगे dy2 वाई टू ये हम रख करके वैल्यू रखेंगे अब जरा y1 को उठाते हैं y1 वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स टू पावर एक्स वेरिएबल टू पावर वेरिएबल दोनों तरफ लॉग ले लीजिएगा तो लॉग लेंगे तो यहां क्या लिख देंगे लॉग यहां पर लिख देंगे लॉग ठीक है ये क्या हो जाएगा लॉग वाई वन इज इक्वल टू ये पावर कहा जाएगी पहले आ जाएगी x लॉग x प्लस वन अपान एक्स अब जरा सावधान यहां दो फंक्शन हो गए अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x की हो जाएगा वन अप <coughs> फिर में ज्यादा बोलने से ड्राइनेस आ जाती है गले में लॉग बाई वन का वन अपान वाई वन डी वाई वन बाई डी एक्स मेरे डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर यहाँ पे आइए यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स प्लस वन अपान एक्स इन टू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स यहां पर देखिए यहां से लिख रहे हैं वन 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 अपान वाई वाई डी एक्स लिखा हुआ है जरा सावधान ये पूरा एक्स होना चाहिए लॉग एक्स का क्या होता है वन अपान एक्स तो हमने वन अपान लिख दिया एक्स प्लस वन अपान एक्स फिर क्या करेंगे इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस यहां पे आइए इसको ऐसे लिखा दो लॉक एक्स प्लस वन अपान एक्स और एक्स का क्या हो जाएगा वन अब जरा देखिए यहां पर यह लिखाना दो एक्स अपान एक्स प्लस वन अपान एक्स इन टू देखो यहां पर जब इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का तो वन हो जाएगा वन अपान एक्स का क्या होगा देखिए एक्चुअली में वन अपान एक्स का मतलब क्या होता है एक्स फोर माइनस वन यहां एक्स फोर एन लगा दे एन एक्स टू पावर एन माइनस वन तो माइनस एक्स फोर माइनस टू इसका हो जाएगा माइनस एक्स टू पावर माइनस टू प्लस लॉग एक्स प्लस वन अपान एक्स थोड़ा अमेंडमेंट कर दीजिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा यहां पर देखो यहाँ एक्स एलसीएम ले लीजिएगा यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ये एक्स ऊपर जाएगा तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन हो सकता आंसर इसी फॉर्मेट में आ रहा हो लेकिन आप चेंज कर दीजिए यहां पर देखिए ये तो तो वन अपान एक्स स्क्वायर आएगा तो एल्शियम लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर और प्लस लॉग एक्स प्लस वन अपान एक्स ये क्या निकला डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू तो वाई वन और इन टू ये पूरा निकला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो जब इसको वैल्यू रखेंगे यहां रख देते हैं बहुत लंबा क्वेश्चन है तो डी वाई वन बाई डी एक्स क्या निकल के आया डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वाई वन आया वाई वन की वैल्यू ये है यानी एक्स प्लस वन अपान एक्स टू पावर एक्स ब्रैकेट में यह आया एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन ये दिस अपान दिस हो जाएगा प्लस लॉग एक्स प्लस वन अपान एक्स तो ये आपका डीवाई वन बाय डी एक्स निकला ठीक अब आते हैं वाई टू के ऊपर ये बात कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा कहीं गलती ना हो क्योंकि कभी कभी प्लस माइनस में हल्की हल्की गलती हो जाती है अब जरा देखिए नाउ वाई टू इज इक्वल टू क्या है ये एक्स टू पावर वन प्लस वन अपान एक्स वन प्लस वन अपान एक्स ये भी एक्स का वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है तो वेरिएबल टू पावर वेरिएबल लॉग लेना पड़ेगा तो लॉग ले लो तो आएगा लॉग वाई टू इज इक्वल टू लॉग एक्स टू पावर वन प्लस वन अपान एक्स पावर पहले जाएगी तो ये क्या बन जाएगा वन प्लस वन अपान एक्स इंटू लॉग एक्स ये आ गया लॉग वाई टू अब इसको डिफरेंशियट कर दो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये जाएगा वन अपान वाई टू डी वाई टू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहां पर आइए दो फंक्शन है एक है वन प्लस वन अपान एक्स जरा बुक में चेक कर लीजिएगा गलती से या एक्स तो नहीं लिखा हुआ है क्योंकि हमने जो नोट किया है वो वन नोट किया है तो वन भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ वन प्लस वन अपान एक्स यहाँ संभवता एक्स होगा एक बार चेक कर लीजिएगा आप ठीक है तो ये आएगा वन अपान वाई टू डी वाई टू बाई डी एक्स अगर यहां एक्स है तो कोई बात नहीं ये सिक्स डैश क्वेश्चन हो जाएगा एक्स वाला अलग क्वेश्चन हो जाएगा ये भी अपने हिसाब से ये भी देखिए वन प्लस वन अपान एक्स और एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन हो जाएगा सॉरी ये लॉग एक्स है लॉग एक्स का वन अपान एक्स हो जाएगा प्लस लॉग एक्स यहां देखिए वन का जीरो और वन अपान एक्स का भी हम बता चुके हैं माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर तो जब यहां से डी वाई टू बाई डी एक्स लिखो लिखोगे तो क्या आएगा वाई टू इंटू में आएगा इसमें एल्सियम लेना ले लो एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर लॉग एक्स वाई टू की वैल्यू रख दीजिएगा उठा करके ये है तो आएगा एक्स टू पावर वन प्लस वन अपान एक्स इन ब्रैकेट हम चाहे तो एक्स स्क्वायर एल्सियम ले सकते हैं यहाँ बाहर ले सकते हैं तो आएगा एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं ये हमारी मर्जी है ये आपका निकला डी वाई टू बाई डी एक्स अब इसको उठा के क्वेश्चन नंबर वन में रख दो तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन रख देते हैं उठा करके तो जब पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन वन रखेंगे पुटिंग दीज वैल्यूज पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन तो यह आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई वन ये निकलेगा और प्लस डीवाई टू यह निकल आएगा इसको रख दो उठा करके डी वाई टू को मान तो ये क्या निकलेगा x टू पावर वन प्लस वन अपान एक्स अपान एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स ये हो सकता है कि यहां एलसीएम ना लिया हो इस फॉर्म में लिखा हो कोई दिक्कत नहीं उस फॉर्म में भी इसको आप छोड़ सकते हैं दिस इज सिक्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए सेवेंथ क्वेश्चन देखिए क्या है सेवेंथ है लॉग एक्स टू पावर एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू पावर एक्स प्लस एक्स टू पावर लॉग एक्स वेरिएबल टू पावर वेरिएबल लॉग लेना पड़ेगा वेरिएबल टू पावर वेरिएबल हमने बताया था कि वेरिएबल का मतलब होता है जो इसकी वैल्यू चेंज हो सके ठीक है जो कांस्टेंट ना हो इसमें लॉग लेना पड़ेगा यहां लगा है प्लस इसलिए इसको हम अलग अलग मानेंगे इसका मान y1 इसकी वैल्यू y2 टू कर लिया हमने y1 क्या है मेथड सबके सेम है लॉग एक्स टू पावर एक्स चूंकि इसको पावर से नीचे उतारना है तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ द साइड और यहां पर लॉग लिख लेंगे अगले स्टेप में आप लिख लिया लॉग इसके बाद ये पावर पहले आ जाएगी तो ये पावर पहले आ गई अब आपका लॉग हट ये पावर हट गया अब इसको डिफरेंशिएट करो आप स्टेप में लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स Log y1 का क्या होगा वन अपान वाई वन इसके साथ डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन लॉग डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग लॉग एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग लॉग एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स इसका वन अपान वाई वन इंटू डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स देखो ये log x होना चाहिए मन में इसको x मारा log x का वन अपॉन एक्स वन अपान लॉग एक्स और log x को फिर डिफ्रेंशियट कर देंगे प्लस इसका लौग लौग एक्स, लौग, लौग एक्स इसका वन हो जाएगा यहां पे आएंगे वन अपान वाई वन इंटू डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का वन अपान एक्स हो जाएगा तो आएगा एक्स अपान लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का वन अपान एक्स प्लस लॉग लॉग एक्स ये एक्सेस कट गया वाई वन को ले आ, तो डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी वाई वन यह आएगा आपको वन अपान लॉग एक्स वन अपान लॉग एक्स प्लस लॉग लॉग एक्स वाई वन का मान रख दो ये तो यह आ जाएगा आपका लॉग एक्स टू पावर एक्स इन ब्रैकेट वन अपान लॉग एक्स प्लस लॉग लॉग जरा लॉग गंदा लिखा हुआ है ध्यान समझिए कहा लॉग लिखा है तो ये आपका वाई वन निकला ठीक है अब वाई टू लिख दीजिएगा उठा करके नाउ वाई टू इज इक्वल टू एक्स टू पावर लॉग एक्स यहां भी वेरेबल पावर वेरिएबल है लॉग लेना पड़ेगा आपको तो ये क्या हो जाएगा लॉग वाई टू इज इक्वल टू लॉग एक्स टू पावर लॉग एक्स पावर पहले जाएगी तो आएगा लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स जरा समझिएगा यहां पर आप चाहे तो प्रोडक्ट रूल लगाए और चाहे तो दोनों लॉग एक्स लिखे हैं तो आप चाहे तो इसको लॉग एक्स का होल स्क्वायर है एक्स की पावर नहीं है पूरे की पावर है ये लिख सकते हैं आप यह है लॉग वाई टू डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स आंसर वही आएगा कोई दिक्कत नहीं है लॉग वाई टू का क्या हो जाएगा वन अपान वाई टू इन टू डी वाई टू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहां पर देखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होल टू पावर टू हमने होल पावर का कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी होल पावर होगी तो अंदर वाली चीज को आप एक्स मानेंगे जब भी होल पावर हो होल पावर चाहे जो लिखा हो ये होल पावर है इसको मन में हमने एक्स मान लिया तो आ गया वन अपान वाई टू डी वाई टू बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसको मैंने एक्स माना एक्स पावर टू क्या होगा टू लॉग एक्स और लॉग एक्स का फिर करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आएगा वन अपान वाई टू इन टू डी वाई टू बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू लॉग एक्स और लॉग एक्स का वन अपान एक्स वाई टूर ट्रांसफर कर दो डी वाई टू बाई डी एक्स क्या निकलेगा y2 log x x. Y2 को मान लग दो, उठा करके ये क्या आएगा एक्स टू पावर लॉग एक्स इन ब्रैकेट टू लॉग एक्स अपान एक्स तो ये आपका डी वाई टू निकला ये डी वाई वन निकला इसको उठा के क्वेश्चन नंबर वन में पुट कर दो पुटिंग दीज वैल्यूज इन क्वेश्चन नंबर वन Putting दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन तो dy वाई बाई क्या निकलेगा dy by dx डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई वन बाई डी एक्स क्या है यह निकला है log एक्स टू पावर एक्स इन ब्रैकेट वन अपॉन लॉग एक्स प्लस log, x plus log लॉग एक्स प्लस डी वाई टू ये लिखा है एक्स टू पावर लॉग एक्स इन ब्रैकेट टू लॉग एक्स अपॉन एक्स ये आपका सेवेंथ क्वेश्चन है एथ क्वेश्चन लगभग इसी तरीके का है एक तो क्वेश्चन अपने आप लगाइएगा रेस्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो आप डिस्कस करेंगे ओके थैंक यू